ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद अब कई शाही प्रतीक बदले जा सकते हैं। फ्लैग, नोट, सिक्कों में अभी तक महारानी की अलग अलग तस्वीर होती थी। अब इसे हटाकर नए किंग बने प्रिंस चार्ल्स की फोटो लगाए जाने की उम्मीद है। गुरुवार को 96 साल की उम्र में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया। वे सबसे लंबे समय तक 70 साल तक ब्रिटेन की क्वीन रहीं। ब्रिटिश राजशाही का प्रतिनिधित्व कई प्रतीकों से किया जाता है। ये ऐसे सिंबल हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें नोट, सिक्के, आभूषण, टिकट सहित कई चीज़ें आती हैं। अब इन शाही प्रतीकों से रानी का नाम और चेहरा हटाने में काफ़ी समय लग सकता है। हालांकि प्रिंस चार्ल्स चाहें तो कई रॉयल सिंबल को पहले की तरह ही चलने दे सकते हैं। अगर शाही प्रतीकों के बदलाव का डिसीजन लिया जाता है तो सभी बदलावों को पूरा करने में कम से कम 2 साल का समय लग सकता है। देश में 4.5 अरब बैंक नोट ऐसे हैं जिन पर रानी का चेहरा है। इनमें अब नए सम्राट की तस्वीर लगाई जा सकती है। 1952 में जब महारानी सिंहासन में बैठी थी तब सिक्कों या नोटों पर उनकी तस्वीर नहीं थी। 1960 में पहली बार डिजाइनर रॉबर्ट ऑस्टिन ने नोटों में एलिजाबेथ द्वितीय का चेहरा लगाया था। इसके बाद कई लोगों ने महारानी का चेहरा लगाए जाने की आलोचना भी की थी। किसी भी देश की राष्ट्रगान यानी नेशनल सॉन्ग में उस देश की विशेषताओं की बात कही जाती है। ब्रिटेन के राष्ट्रगान में महारानी का जिक्र किया गया है और उनके लंबी उम्र की कामना भी की गई है। राष्ट्रगान में लिखा गया है, गॉड सेव अवर गॉर्जियस क्वीन, यानी भगवान हमारी दयालु रानी की रक्षा करें। चर्च ऑफ इंग्लैंड की सुप्रीम गवर्नर महारानी थी। चर्च में होने वाले कॉमन प्रेयर की किताब में महारानी के लिए कई प्रार्थनाएं हैं। ये प्रार्थनाएं 1662 में पहली बार लिखी गई थी। तभी से चर्च की सामान्य प्रेयर में देश के सम्राट महारानी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रेयर की जाती है। 1952 से ही सभी सांसद अपनी शपथ में महारानी एलिजाबेथ का जिक्र करते आए हैं। सांसद शपथ लेते हैं कि महारानी एलिजाबेथ और उनके उत्तराधिकारी के प्रति ईमानदार रहेंगे। लेकिन अब महारानी के निधन के बाद इस शपथ में भी बदलाव किया जा सकता है। ब्रिटेन में पुलिस स्टेशनों के बाहर लगने वाले झंडों से लेकर नौसेना के जहाज में इस्तेमाल किए जाने वाले फ्लैग में बदलाव किया जा सकता है। एलिजाबेथ द्वितीय के कई झंडे का उपयोग उन देशों में किया जाता है जहां वह राज्य की प्रमुख है। ऐसे में उनके निधन के बाद उन सभी फ्लैग्स में बदलाव किए जा सकते हैं। बारबुडा, बहामास, ग्रेनाडा, सेंट लूसिया और जैसे 14 देश महारानी एलिजाबेथ को अपना हेड ऑफ स्टेट मानते हैं। इन देशों के संविधान में महारानी को विशेष रूप से राज्य की मुखिया बताया गया है। ऐसे में महारानी के निधन के बाद इन सभी देशों के संविधान में भी संशोधन किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।